विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। बांदा में तेज रफ्तार एआरटीओ की बुलोरो ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिसमें एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कानपुर रिफर कर दिया। घटना के बाद घायलों की मदद करने के बजाय एआरटीओ सुरेश चंद्र यादव घायलों को तड़पकर छोड़कर मौके से फरार हो गए। घटना 4 बजे के आसपास की है। जौहरपुर गांव के रहने वाले सबल सिंह अपनी पत्नी पूजा रानी व 15 साल की बेटी शिवानी के साथ बाइक से गंगा नहाने जा रहे थे, तभी माहोखर गांव के आगे पीछे से एआरटीओ सुरेश चंद्र यादव बुलेरो गाड़ी से ट्रक का पीछा करते हुए तेज रफ्तार से आ रहे थे। बुलेरो के मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शिवानी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं गंभीर घायल पति पत्नी को जिला अस्पताल लाया गया, जहां गंभीर हालत के चलते दोनों को कानपुर रिफर कर दिया गया। ऐसे बांदा से अरबाज खान की एक खास रिपोर्ट। ऐसे क्या हुआ? कल सुबह 4 बजे करीब ये लोग निकले हैं अपने गंगा स्नान के लिए, जा रहे थे फतेहपुर। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे कुरसेजा के थोड़ा पहले ये लोग वहाँ से ओवरटेक किए हैं, कुरसेजा के आगे ये लोग जा रहे थे, तो मतलब ट्रक वगैरह थे आरटीओ साहब थे सुरेश चंद्र यादव, तो उनने ट्रक का पीछे कर रहे थे वो, तो उनने हल्का पीछे से टक्कर मारी है। तो इतने में 3 फैमिली मेम्बर थे मेरे, एक पापा थे, एक बहन थी और एक भाई, सॉरी एक वो थे मम्मी थी। तो जैसे ही टोकर लगी है तो बहन चिटक के सीधा ट्रकों के जब पीछा किया जा रहा था तो ट्रक के नीचे आ गई है, तो बहन की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। और फैमिली मेम्बर का बाकी पापा और मम्मी का, तो उनका पापा का पैर फ्रैक्चर है, मम्मी के सर में काफ़ी चोट है। और लोग और आने के बाद वहाँ पर कोई ट्रीटमेंट ना एम्बुलेंस ना 100 नंबर कुछ नहीं पहुंचा। एआरटीओ साहब ने मदद की, उठा के लाए कहीं? कुछ नहीं, वो वहाँ से तुरंत, वहाँ से उनके ड्राइवर और जो भी थे तुरंत वहाँ से चले गए। एक अभी शिवानी नाम की 18 साल की लड़की ब्लड डेड अवस्था में लाई गई थी, और उनके परिजन बता रहे कि एक्सीडेंट कट से हुआ है, जिसकी मौके पर मौत हो रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम करवाए के भी दिए गए हैं। ये घटना जौहरपुर गांव के पास कटी है और वहीं एक्सीडेंट हुआ है। आज सबल सिंह नाम के व्यक्ति जो अपनी पत्नी और बच्ची के साथ बांदा से सिंदवारी जौहरपुर जा रहे थे, बीच रास्ते में मिर्गैनी में उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मौके पर ही उनकी बच्ची शिवानी सिंह की मृत्यु हो गई। और इस मामले में बाकी आगे की जांच की जा रही, जांच के आधार कर रही थी। परिजनों का कहना है कि एआरटीओ साहब की गाड़ी थी, इसके आधार पर जितनी भी तहरीर आएगी उसके आधार पर मुकदमा लिखा जाएगा और कर रहे हैं।